हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज अभी मैं जा रहा हूँ लेक पे ऐसे ही वॉकिंग करने और घूमने के लिए। लेक हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी मैं लेक के पास थोड़ा पहुँचने ही वाला हूँ। देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा व्यू दिख रहा है इधर पास में। देख सकते हो दोस्तों, लेक के पास एक छोटा सा मंदिर भी है शनिदेव जी का, देख सकते हो आप लोग। लेक के पास इधर बगल से गटर भी जा रहा है, नाली। और हियर वी गो गाइस, हम पहुंच गए लेक पे। देख सकते हो बहुत बड़ा है, इधर से सनसेट भी हो रहा है, उधर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इधर से देख सकते हो व्यू बहुत अच्छा है इधर का। तो अभी मैं थोड़ा उस साइड ब्रिज के पास चल रहा हूँ, देख सकते हो दोस्तों। अभी दोस्तों मैं उसी रास्ते से आ रहा था, उसी रास्ते से अभी आपको उधर से इस वाला यहाँ वाला व्यू दिखा रहा था। तो अभी मैं वहीं इसी जगह पे आ गया हूँ, देख सकते हो। और शायद से उधर पुल को तोड़ दिया गया है, पास से दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए, पहले पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब कम से कम ज़्यादा पानी सूख गया है, देख सकते हो आप लोग। पहले पानी यहाँ पत्थर के पास तक आता था, अब तो पानी बहुत ज़्यादा सूख गया है, देख सकते हो। सनसेट भी अच्छा वाला दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हो। इवनिंग व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, वाह। अभी मैं ऑलमोस्ट ब्रिज के पास पहुंचने ही वाला हूँ, थोड़ा सा और दूर है, देख सकते हो दोस्तों। इधर कम से कम बहुत लोग आते हैं वॉकिंग के लिए, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, बहुत एक्सरसाइजेस के लिए भी आते हैं। अभी तो इस साइड का पुल टूट गया, तो अभी बहुत कम लोग आते हैं, सब लोग उस साइड जाते हैं। मैं इस साइड आया हूँ, सब लोग राइट साइड में जाते हैं, तो मैं लेफ्ट साइड में आया हूँ, अलग ही डायरेक्शन। देख सकते हो दोस्तों, मैं पुल पे ऑलमोस्ट आ गया हूँ, ब्रिज पे। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। और इस साइड का देखिए, इधर बहुत सारे खड्डे भी हो गए हैं, देख सकते हो। और इधर सब कितना अच्छा व्यू है, इधर बगल में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, और इधर सब पक्षी अपने लिए खाना ढूंढ रहे हैं, मच्छी पकड़ रहे हैं सब लोग। और इधर पानी एकदम सूख ही गया है, उधर पानी जा रहा है। अभी मैं आपको और थोड़ा पास से दिखाता हूँ, उधर से देख सकते हो दोस्तों। अभी मैं इधर जा रहा हूँ जहाँ पर पुल टूटा है, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू है। तो हियर वी गो, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इतना बड़ा गैप हो गया है, कोई चाहे तो कूद के भी पार नहीं कर सकता, पानी बहुत तेज़ जा रहा है। इधर से देख सकते हो, इधर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पानी सूख गया है, इधर ज़मीन भी दिखाई दे रहा है, देख सकते हो दोस्तों। इधर नेट लगी थी ताकि बड़ी मच्छी इधर इस साइड ना पाए, इधर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा छोटी मच्छी रहती है पुल के इस साइड में। और इधर टूटने के बाद अब तो सब बड़ी मच्छी छोटी सब इधर ही आ गई होंगी, देख सकते हो आप लोग। इधर शंकर भगवान का भी मंदिर है। तो अभी पहले पुल टूटा नहीं था, तो सब लोग इधर से डाक के जाते थे, तो अभी मैं इस साइड से जा रहा हूँ वापस, ऐसे ऐसे घूमते हुए उस साइड जाता हूँ फिर। ठंड भी लग रही है दोस्तों यहाँ पर, ठंड। एक पिछले हफ्ते ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस हफ्ते भी हो रही थी। अभी दो दिन तीन दिन हुआ है बारिश कम हो गई है, धूप निकल रहा है, वरना बहुत ज़्यादा बारिश था और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। अभी ठंड लग रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, देख सकते हो दोस्तों। मैं फिर से उसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ से सनसेट अच्छा दिख रहा है। मैं उस साइड से जाके आपको और अच्छे से भी दिखाता हूँ सनसेट का। यहाँ से मंदिर भी दिख रहा है दोस्तों। तो अभी कुछ लोग वॉकिंग करके आ रहे हैं, और इधर मेरे अंकल खड़े हैं, अभी उनके पास मैं जा रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों, ब्रिज जो इधर से मैं उधर पास में गया था टूटा था। अभी मैं दोस्तों इस साइड से इस साइड गया था, अब इस साइड से हम लोग इस साइड चलेंगे, इधर से और अच्छा व्यू लग दिखता है। तो बहुत लोग ऐसे पूरा राउंड मार के इस साइड आते हैं, कम से कम इस पूरे एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए 1 आवर 45 मिनट्स लग ही जाता है, और वापस उस साइड से इधर आने में बहुत टाइम लगेगा, मिनिमम 3 आवर्स मोर देन दैट लग सकता है, देख सकते हो। सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी सूख गया, देख सकते हो इतनी पक्षी भी जा रही है उधर, देखिए
पत्थर के पास से पूरा पानी गायब हो गया है। उस साइड बहुत अच्छा गार्डनिंग कर रखा है और इस साइड ऐसे इन लोगों ने छोड़ दिया है। और इधर ये एक छोटा सा स्कूल है छोटे बच्चों के लिए, और इसी के बैक साइड में वो शनिदेव का टेम्पल है। देख सकते हो दोस्तों इधर बहुत ज़्यादा पेड़ है, तो सनसेट अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा और आगे जाके सनसेट का अच्छा वाला व्यू दिखाता हूँ। देख सकते हैं अभी इवनिंग के 5:30 हो रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। तो अभी हम लोग और आगे जाएंगे, थोड़ा एक जगह स्टेप्स भी आता है, तो उस स्टेप्स के पास हम लोग जाके उधर से अच्छा वाला सनसेट का व्यू दिखाऊंगा दोस्तों। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, लेक जल्दी क्लोज हो जाता है, मिनिमम 6:30 या ऑलमोस्ट लेट तो 7:00 तक बंद हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं 9:00 तक ओपन रहता है, लेकिन मेरे को सही से पता नहीं, मेरे को जहाँ तक पता है 6 या 6:30 तक बंद हो जाता है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ दोस्तों। देख सकते हो तो इधर थोड़ा थोड़ा पेड़ पौधे हैं, थोड़े छोटे छोटे प्लांट्स हैं, देख सकते हो आप लोग। ऑलमोस्ट सनसेट हो ही जाएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है पहुँचते। ये छोटे छोटे पौधे हैं, इसमें वाइट वाला फ्लावर आता है, अभी किसी में फ्लावर दिख नहीं रहा है दोस्तों। ये थोड़ा बड है लेकिन फ्लावर नहीं है, ओनली बड इज़ अवेलेबल, नो फ्लावर। देख सकते हो दोस्तों ये इसका फ्लावर है। देख सकते हो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है इसका फ्लावर, एकदम क्यूट सा येलो इनसाइड में है और आउटसाइड लेयरिंग वाइट कलर में है, बहुत अच्छा लगता है। इवनिंग टाइम पे ही ज़्यादा से ज़्यादा खिलता है ये सब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, इधर भी नेट लगा है, उस साइड और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी मच्छी है, तो इसीलिए इस साइड भी नेट लगा रखा है ताकि उस साइड के ज़्यादा बड़े बड़े मच्छी इधर ना आए। और बहुत से मछुआरे भी आते हैं तो उन लोगों के लिए भी लगा है ताकि वो लोग इस साइड आके मच्छी ना पकड़े, क्योंकि इधर छोटे छोटे मच्छी लोग रहते हैं और सब लोग आते हैं इधर घूमने के लिए भी, तो इसीलिए मछुआरे लोग सिर्फ उस साइड रहते हैं, उस साइड के कोने में। ओके दिखाता हूँ आप लोग, उस साइड वो जो उधर कोना है घर है, उधर सब मछुआरे लोग रहते हैं, मच्छी पकड़ने के लिए आते हैं, उधर से पकड़ेंगे उधर ही सेल करेंगे। इस साइड सब आते हैं पकड़ने के लिए, जाल अपना लगा देते हैं। अभी देख सकते हो दोस्तों सनसेट व्यू दिख रहा है, अच्छा लग रहा है एकदम मौसम सनसेट व्यू, सनसेट देखने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और इधर ये बहुत सारे पौधे सूख भी गए हैं इधर के, ये उसी फ्लावर का बड है, फिर से मिल गया, उसी टाइप के फ्लावर बहुत सारे लगे हैं। और यहाँ पर इसमें फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा है, खिल गया ये वाला, देख सकते हो आप लोग। तो अभी इधर से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है अपना लेक, तो अभी इधर सनसेट भी है, अभी हम लोग जा रहे हैं मेन। मैं आप लोगों को सनसेट व्यू अच्छा वाला दिखाना चाहता हूँ इधर से, देख सकते हो दोस्तों क्या ही मस्त लग रहा है, एकदम बड़ा सा लेक है, मस्त सनसेट व्यू कितना प्यारा लग रहा है। उधर बीच में 2-3 छोटा छोटा आइलैंड भी है, ठीक है। तो अभी मैं और पास उधर साइड चलता हूँ। तो दोस्तों अगर व्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, कुछ लोग इधर से वॉकिंग करके आ रहे हैं रिटर्न, अभी हम लोग जा रहे हैं तो अभी उधर से वापस रिटर्न भी आएंगे दोस्तों। सनसेट वाओ, इधर भी अच्छा व्यू है, इधर वही वाले प्लांट्स हैं, देख से ज़्यादा सिर्फ नॉर्मल ये वाला पौधा ज़्यादा है और ये वाला थोड़ा बहुत है और ये वाला ज़्यादा है। उस साइड बहुत अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं प्लांट्स हैं, इधर भी है लेकिन इधर थोड़ा और ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, हिबिस्कस और सब बहुत अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और उधर शायद आप लोगों को स्टेप्स दिख रहा होगा उधर है, तो अभी हम लोग उधर ही उसी के पास जा रहे हैं। अभी बहुत दूर है थोड़ा, अभी ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन है, ठीक है। अभी मैं उधर जा रहा हूँ और इधर देख सकते हो ये डक भैया अपना स्विमिंग कर रहे हैं, ये छोटे से डकलिंग स्विमिंग कर रहे हैं, मच्छी भी खोज रहे हैं, शाम को सब मच्छी अंदर गई होंगी तो अभी ये मच्छी ढूंढने आया है। अच्छा लग रहा है इधर का व्यू, ठंड और ज़्यादा बढ़ रही है दोस्तों, देख सकते हो इधर यही हो वाला नाला दिख रहा है, शायद कोयल बोल रही है,
सब चिड़िया चिल्लाने लगे हैं। देख सकते हो इधर आ गया कोई दूसरा और ये प्लांट कोई तोड़ दिया है बेचारा पौधा, देख सकते हो दोस्तों। और ये कांटा कहाँ कहाँ उगा है, शायद इधर ही कहीं पास में है कोयल, लेकिन देख नहीं रहा है, उड़ गया। देखो हो गया, कौआ भी बोल रहा है कोयल के साथ, सब उड़ गए साइड में गए। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा और दूर है। मेरा प्लान था दोस्तों कि शॉर्ट वीडियो बनाऊं, लेकिन मम्मी बोली शॉर्ट वीडियो मत बनाना, पूरा व्लॉग बना के लाना, तो अभी मैं इसीलिए व्लॉग बना रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि ऐसे ही व्लॉग्स और कुकिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें, रेसिपीज़ न्यू रेसिपीज़ आपको मिलते रहें। तो दोस्तों और यहाँ पर देख सकते हो ये अच्छा वाला पिंक पिंक फ्लावर है, ये फ्लावर मेरे को बहुत पसंद है, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। इसे सनसेट के साथ देखते हैं, अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग और आगे चलेंगे, ये कोई और प्लांट है इधर, बहुत अलग अलग प्लांट्स है, मेरे को उतना प्लांट्स का नाम नहीं पता है, जो पता है वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग और आगे चलेंगे, ये भैया भी वॉकिंग करके जॉगिंग करके आ रहे हैं ये, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों हज़ारों बड लगे हैं यहाँ पर, बहुत सारे बड हैं, और अभी फ्लावर खिला नहीं है उसमें। और अभी हम लोग सनसेट अच्छा सा दिख रहा है, और हम लोग स्टेप्स के पास भी एकदम पास आ गए हैं, थोड़ा सा और कह के आए, और इधर कुछ लोग बैठे हैं, चलते हैं। तो अभी दोस्तों मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, तो अभी इधर कुछ लोग बैठे हैं, तो अभी मैं बाद में आऊँगा स्टेप्स के पास, थोड़ा आगे से जाके तब हम लोग आते हैं, थोड़ा और आगे जाएंगे। और ठंड भी फ़िलहाल और ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये मिला हम लोगों को किसी अलग टाइप का प्लांट, ये रहा वाइट जैस्मिन है शायद, या अरेबियन जैस्मिन है क्लियरिटी। हाँ अभी देखो इस पर बहुत सारे चींटी भी चढ़ रखे हैं, अच्छा लग रहा है। ये हमें कोई अलग टाइप का फ्लावर मिला, बहुत सारे चिड़िया बत्तख बहुत सब हैं, फिशिंग कर रहे हैं अपना अकेले अकेले, देख सकते हैं दोस्तों। उस साइड थोड़ा थोड़े लोग रहते हैं, और उधर फैक्ट्री भी उस साइड में, स्मोक निकल रहा है, और उधर भी एक जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो भी फैक्ट्री ही है दोस्तों, और सब फैक्ट्री का वेस्ट इसी लेक में आता है, जो पानी को गंदा कर देता है। और यहाँ पर लिखा है डू नॉट थ्रो गार्बेज, और उसी के पास ये प्लांट उग गया है, वही जैस्मिन वाला, ये कोई रेड वाला प्लांट है, और ये कोई दूसरा जैस्मिन है, देख सकते हो आप लोग, क्लियरिटी कर रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ, और ये वही रेड लीफ वाला प्लांट है, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर ये जैस्मिन, अरेबियन जैस्मिन, और ये रेड लीफ वाले प्लांट्स ज़्यादा दिख रहे हैं, अब वो वाला प्लांट्स बहुत रेयरली दिख रहा है। और इधर से भी एंट्रेंस है, सब लोग उस साइड से आते हैं, तो हम लोग इस साइड से आए हैं। और तो इधर देख सकते हो कोई और, ये प्लांट भी अच्छा लगता है, ये फ्लावर भी अच्छा लगता है मेरे को। और इधर देख सकते हो इसका स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों, कुछ तो मुरझा गए हैं, कुछ तो सही है अभी, देख सकते हो ये वाला एकदम मस्त फ्रेश फ्रेश लग रहा है, देख सकते हो दोस्तों, और ये मस्त लग रहा है, ऑलमोस्ट सनसेट हो पूरा होने वाला है ये। मैं सोच रहा था उधर स्टेप्स के पास से सनसेट दिखाऊंगा, लेकिन कुछ लोग बैठे हैं, तो अभी हम लोग आगे जाएंगे दोस्तों। पता नहीं कौन सा प्लांट है, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है इसके, इस प्लांट के बारे में देख सकते हो कुछ पता नहीं, एक बादाम जैसे लग रहे हैं उस पर। और यहाँ का ये मस्त प्लांट लग रहा है, रेड एंड ग्रीन मिक्स लीव्स है दोस्तों। अभी अंकल घर पे जा रहे हैं, मैं और आगे जाके तब वापस उधर से आऊँगा। तो इधर बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं, इधर से भी देख सकते हो लेक का व्यू अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है दोस्तों, लेकिन ठंड भी लग रही है, और शायद से सनसेट ऑलमोस्ट डन। हाँ दोस्तों सनसेट इधर क्लाउड के पास पूरा ख़त्म, सनसेट गया। तो अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम लोग, और देख सकते हो ये आइलैंड भी दिख रहा है। मैं किसी दूसरी बार आऊँगा तो पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊँगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ व्लॉग को एंड करूँ, तो ठीक है बाय दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ,
फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।